सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। और आप हैं एपी सिंह चाइल्ड डेवलपमेंट के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा की तैयारी की श्रृंखला में बुद्धि के संप्रत्यय को कंप्लीट कर रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने बुद्धि के विभिन्न संप्रत्ययों को पढ़ा है। आज पार्ट 4 हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूर्व के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 में विभिन्न परिभाषाएं दी हैं और एक कारक द्विकारक सिद्धांत है। चित्रों के माध्यम से बहुत सरल शब्दों में आपको समझाया गया है। मैं अखिलेश प्रताप सिंह हूँ और मैं इसी विषय से नेट हूँ और इसी शिक्षा साथ विषय से मेरी रिसर्च वर्क चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके इस संप्रत्यय को, बहुत इम्पोर्टेंट, सीटेट की परीक्षा 2 दिन बाद आपकी, इस बहुबुद्धि सिद्धांत से एक प्रश्न 100% आपको मिलेगा सीटेट की परीक्षा में। चलिए आइए पढ़ते हैं क्या कहता है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो किसी भी सिद्धांत को पढ़ने की जो हमारा पैटर्न है, उसको हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि आखिर उस सिद्धांत पर अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला या इस सिद्धांत पर कार्य करने वाला व्यक्ति जो था, वो थे गार्डनर साहब। लगभग 1983 के करीब उन्होंने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? गार्डनर साहब ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, अपने सिद्धांत में इन्होंने बताया कि, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि लगभग सभी सिद्धांतों का जो रूप है या अध्ययन है, वो सब स्पीयरमैन के एक कारक या द्विकारक सिद्धांत पर, स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने सिद्धांत में ये बात बताई कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी या द्विकारकी न होकर के कैसा होता है, बहुकारकी होता है। उनका जो सिद्धांत था, उनका आधार था न्यूरो मनोविज्ञान और मनोमितिक विधियों के क्षेत्र में किए गए शोध। इस सिद्धांत में दो तीन बातें इस सिद्धांत का मूल आधार थी, जिस पर इस प्रकार के इस बहुकारक सिद्धांत को कार्य करना प्रारंभ किया गया। एक प्रकार इनके सोचने की जो एक जो अध्ययन का जो स्रोत था, वो ये था कि क्या विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न विशेष क्षमताएं पाई जाती हैं। तो क्या ये विभिन्न विशेष क्षमताएं, क्या कोई अलग बुद्धि होती है या नहीं? एक प्रकार, अगर बुद्धि होती है या नहीं होती है, तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जब मानसिक या मस्तिष्क की क्षति या कोई दुर्घटना होती है, तो उस स्थिति में कि सिर्फ एक अंग, जिस अंग में या जिस स्थिति में चोट या दुर्घटना होती है, सिर्फ वही प्रभावित होता है, दूसरा प्रभावित नहीं होता, तो क्या हम उसको एक अलग बुद्धि कहें? ठीक है, एक तो क्या विभिन्न विशेषताएं जो व्यक्ति में उपस्थित हैं, क्या वो अलग अलग बुद्धि है क्या? या फिर उस इस बात पर चिंतन हुआ, लोगों ने कहा बुद्धि है, कुछ ने कहा नहीं बुद्धि है। तो इस पर एक और तर्क आया कि क्या जो मस्तिष्क की क्षति होती है, उसमें कभी कभी होता है कि सिर्फ एक अंग पर, जिस पर वह क्षति हुई है, वही प्रभावित होता है, अगला प्रभावित नहीं होता। इस आधार पर कह सकते हैं कि एक से अधिक बुद्धि है। ठीक, तीसरा जो बात थी, तीसरी बात क्या थी कि एक कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में किसी योग्यता की असाधारण मात्रा उपस्थित होती है ना, किसी न किसी कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में किसी योग्यता की असाधारण मात्रा उपस्थित होती है। तो ये जो अलग विशेष योग्यता उसमें असाधारण मात्रा में उपस्थित है, क्या ये भी कोई बुद्धि है क्या? तो ये जो तीन बातें थी कि क्या विशेष क्षमता को अलग बुद्धि कहें, क्या मस्तिष्क की क्षति होने पर जो एक अंग प्रभावित होता है, दूसरे अलग कार्य करता रहता है, तो क्या है वो बुद्धि है क्या? तीसरा, जो असाधारण मात्रा में उपस्थित है, क्या उसे हम बुद्धि कहते हैं क्या? तो इन सब बातों पर उन्होंने अपना अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात अपने प्रयोगों के आधार पर गार्डनर साहब ने मूलतः कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया? मूलतः 7 प्रकार की। मूलतः माने जब इन्होंने अपना पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1900 कितने में, 83 में। ठीक है, जब इन्होंने अपना पहला सिद्धांत गार्डनर साहब ने 1983 में प्रस्तुत किया, तब के सिद्धांत देते समय इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। अब अगला अध्ययन ये करते रहे। 1998 में इन्होंने क्या बताया? 1998 में इन्होंने 8वां प्रकार बताया। ठीक है, और 2000 में इन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं भाइयों? तो वर्तमान समय में गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 9 प्रकार हैं। ठीक है, तो 7 जब सिद्धांत प्रस्तुत किया था तब हैं, वर्तमान में कितने हैं? 9 प्रकार हैं। ठीक है भाई, चलो समझते हैं कौन कौन से 9 प्रकार हैं। ठीक, तो आप ये जात थोड़ा सा, जब ये जो मैंने आपको समझाया है कि इनका जो अध्ययन आधारित था, ठीक है, वो आधारित था विभिन्न योग्यताएं जो व्यक्ति में उपस्थित होती हैं, क्या वो बुद्धि है क्या? तो ये कहते हैं हाँ, वो अलग अलग बुद्धि है। ठीक
ठीक है, तो क्या सबको उन्होंने अलग अलग योग्यताओं को अलग अलग बुद्धि कह दिया। एक एक प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई, भाषाई बुद्धि। क्या बताया? भाषाई बुद्धि। ये क्या होती है? ये ऐसी बुद्धि होती है जो वाक्य और शब्दों की बौद्धिक क्षमता, ठीक है, वाक्य कहाँ पर कौन सा प्रयोग करना और शब्द की क्या प्रयोग करने की क्षमता, शब्दावली बड़ी अच्छी होती है। शब्दों के क्रम, कर्म लिख गया है, शब्दों के क्रमों के बीच संबंधों को पहचानने की क्षमता सम्मिलित होती है, ठीक है, शब्द क्रम। तो कुल मिलाकर के भाषाई बुद्धि वो है जिसमें भाषा और वाक्य और शब्दों को समझने की क्षमता उपस्थित होती है, ठीक है। अति बुद्धि वाले कौन होते हैं? आपने देखा है कभी बड़ी अच्छी रचनाओं में शब्दों का प्रयोग करता है, अपनी शब्दावलियों का उच्चतम उपयोग करता है। लेखक भी अपनी लेखनी में या अपने किसी आर्टिकल में अच्छे अच्छे शब्दों को, अच्छे अच्छे अक्षरों को या अच्छे अच्छे वाक्यों को नोट करता है। पत्रकार भी किसी छोटी सी घटना को भी सनसनीखेज बनाकर प्रस्तुत करता है। वकील भी आपके जो बात कहते हैं, लिखते हैं, ठीक है, उनमें भी वो शब्दों के क्रमों को पहचान कर आपकी बात रखता है। व्याख्याता भी जो लेक्चरर है, ठीक है, जो व्याख्यान करता है, वह भी शब्दों की शब्दावली के साथ ही अच्छे उदाहरणों के माध्यम से किसी विषय को प्रस्तुत कर पाता है, ठीक है भैया। तो हो गई भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि की उपस्थिति जिसमें होगी वो क्या बनेगा? कवि बनेगा, लेखक बनेगा, पत्रकार बनेगा, वकील बनेगा और व्याख्याता बन सकता है। दूसरे प्रकार की बुद्धि बताई इन्होंने, दूसरा प्रकार बताया तार्किक गणितीय बुद्धि। जाहिर सी बात है कि इसमें तर्क करने की योग्यता और गणितीय संक्रियाएं जो हैं उनका समाधान करने की क्षमता होती है, और जो आपका रीजनिंग जब की जो सीरीज मिली होती है उस सीरीज में, फिर सीरीज में छिपे हुए संबंध व क्रम को पहचानने की जो क्षमता रहती है, सत्ता माने एक जैसे की जो पहचानने की क्षमता होती है गणितीय संक्रियाओं में अंकों को पहचानने की, उसे हम तार्किक गणितीय बुद्धि कहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं जो जिनमें इस प्रकार की योग्यता तार्किक गणितीय बुद्धि अधिक होती है, वो मैथमेटिशियन होते हैं, गणितज्ञ होते हैं और वैज्ञानिक बनते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक होते हैं, उनमें यह बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो यानी आप अगर बनना चाहते हैं वैज्ञानिक, तो आपको ऐसे कार्य करने चाहिए, ऐसे बालकों को ऐसे कार्य करवाने चाहिए जिसमें गणितीय संक्रियाएं और उनमें अंकों के बीच किसी क्रम को समझना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानिक बुद्धि, तीसरी प्रकार की स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि का मतलब होता है किसी स्थान को देख करके वैसा ही बना पाना, ठीक है। तो स्थानिक चित्र को मानसिक रूप में परिवर्तित करने की क्षमता, ठीक, चित्र देखा आपने, किसी मूर्ति को देखा और अपने मस्तिष्क में उतारा और मस्तिष्क में उतारने के पश्चात उसको रूप दे दिया, वो ऐसा काम कौन करता है? चित्रकार करते हैं या मूर्तिकार करते हैं या सर्वेक्षण अधिकारी, ये जो चकबंदी अभिसर होते हैं, ठीक है, वो अच्छा काम करते हैं। तो जिनमें स्थानिक बुद्धि अच्छी होती है वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं लोग, या जो चित्रकार होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि उपस्थित होती है? स्थानिक बुद्धि उपस्थित होती है। मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि उपस्थित होती है, सर्वेक्षण अधिकारी में भी स्थानिक बुद्धि उपस्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी हम लोग बुद्धि की चर्चा कर चुके हैं? भाषा की चर्चा कर चुके हैं, तर्क की, गणित की बुद्धि की चर्चा कर चुके, स्थानिक बुद्धि की चर्चा कर चुके। आगे चौथी पढ़ते हैं, शारीरिक गति, यानी शरीर के अंगों को पर नियंत्रण और उनको अच्छी तरीके से उपयोग कर पाना। तो शारीरिक गणित बुद्धि गतिक, शरीर की गति, ठीक है, उस पर आधारित बुद्धि है, अपने शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता तथा वस्तुओं को सावधानी पूर्वक या प्रवीण ढंग से घुमाने तथा उपयोग करने की क्षमता सम्मिलित होती है। तो अपने शरीर के अंगों को सबसे अच्छा तरीके से घुमाता कौन है? वो आपको घुमाने वाले व्यक्ति डांसर होते हैं, ठीक है, नर्तक और नर्तकी होते हैं, ठीक है, जो व्यायामी होते हैं, जो जिम्नास्टिक होते हैं, वो काम एक अच्छा करते हैं, जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, वो एक अच्छा काम कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो मुक्केबाज, तैराक, शल्य चिकित्सक, ये इम्पोर्टेंट है आपका कि शल्य चिकित्सक में चिकित्सक और शल्य चिकित्सक दो अलग अलग रहेंगे। जो सर्जन है, ठीक है, सर्जन क्या होता है? सर्जन, आप सर्जन में कैसी बुद्धि उपस्थित होगी? शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है भाई, चीरा लगाना है तो चीरा लगाएगा, पता चला हाथ वाथ सब फाड़ के बाहर निकाल दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। शल्य चिकित्सक वो सिर्फ बहुत ही फाइन मूवमेंट रहता है उनके हाथ का, तो उस आधार पर वो शारीरिक गतिक बुद्धि में आते हैं, ठीक है। तो बात हो रही है शल्य चिकित्सक या एयरफोर्स पायलट जो होते हैं, ये सभी लोगों में कौन सी बुद्धि ज्यादा उपस्थित होती है? तो इन सब में बुद्धि उपस्थित होती है शारीरिक गतिक बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी है? संगीतात्मक बुद्धि। किस तरीके से है? संगीत या इस बुद्धि में जो तारत्व है, ठीक है, पिच,
या लय रिदम जिसे कहते हैं को सही सही ढंग से प्रत्यक्षण करने या समझने की जो क्षमता सम्मिलित होती है वो संगीतात्मक बुद्धि होती है। जो अच्छे संगीतकार हैं, जो अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं, उनमें कौन सी बुद्धि उपस्थित होती है? उनमें संगीतात्मक बुद्धि उपस्थित होती है। ठीक है भाइयों, तो वाद्य यंत्र बजाने वाला कैसे कैसे जैसे जैसे गीत चलता रहता है, गीत के बोल तेज होते हैं या कम होते हैं, उसी आधार पर वाद्य यंत्र की भी स्पीड स्लो डाउन होती रहती है। तो वाद्य यंत्र बजाने वाले की भी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? संगीतात्मक बुद्धि होनी चाहिए। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसे नाम क्या दिया गया? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि। क्या नाम दिया गया? व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, या इसी को आप अंतरा व्यक्तिक बुद्धि भी कह सकते हैं। क्या होता है इसमें? अंतरा व्यक्ति माने स्वयं, ठीक है। इसमें व्यक्ति अपने भाव और संवेगों को मॉनिटर करने की क्षमता रखता है, यानी समझने की या खुद को जानने की, या सही आत्मज्ञान से युक्त जो व्यक्ति होता है, खुद के भाव संवेग और क्षमता को जान पाने वाला व्यक्ति में व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि या अंतरा व्यक्ति उपस्थित होती है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? ऐसे योगी होंगे, जो सन्यासी होंगे, जो संत होंगे, वो अपने आप को, या जो भी व्यक्ति आत्मज्ञान से युक्त हो जाता है उसमें व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि या स्वयं को जानने की बुद्धि होती है। चलिए भैया सातवां प्रकार, यहाँ तक तो उन्होंने खोजा था अपने मूल अध्ययन में। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। ये कौन सी है? व्यक्तिगत आत्मन में मतलब खुद के बारे में, और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि या इसे अंतर व्यक्तिक बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि क्या है? दूसरे व्यक्तियों की, यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात होगा ना, अन्य बुद्धि हो गई, तो दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता दूसरे व्यक्ति की, ठीक है। और उसमें व्यक्तिगत आत्मन में क्या है? अपनी, यहाँ पर दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की क्षमता समझते हैं, और उनकी मनोदशा और चित्त प्रकृति को अवलोकित कर, ठीक है, उनकी मनोदशा और चित्त प्रकृति मन के बारे में ध्यान करने करके किसी नई परिस्थिति में वह किस तरह का व्यवहार करेंगे, तो ये बात तो मनोवैज्ञानिक करता है, ठीक है। मनोदशाओं और चित्त प्रकृति को पढ़कर वो कहता है कि अगला व्यक्ति ये क्या कार्य करने वाला है, भविष्यवाणी करता है। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, के बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता होती है। तो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि वाले व्यक्ति कौन होते हैं? राजनेता। राजनेता जान लेता है कि कौन आदमी हैंडपंप से खुश होगा, कोई सम्मान से कौन सा पैर छूने से खुश हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोगों की इच्छाओं आवश्यकताओं को समझता है, तभी वो नेता बनेगा ना, तभी तो उसको काम करना पड़ेगा। चिकित्सक, ये चिकित्सक कौन सा है? ये आपका फिजिशियन है, ठीक है, जो कंसल्टेंट होगा वो आपका चिकित्सक। शल्य चिकित्सक कहाँ जाएगा? वो शारीरिक गतिक बुद्धि में जाएगा। सामान्य जो डॉक्टर है वो कहाँ जाएगा? वो व्यक्तिगत अन्य बुद्धि में जाएगा, आत्मन में नहीं जाएगा, ठीक है। विक्रय अधिकारी का मतलब जो सेल्समैन होते हैं, वो भी आपको जो भी सामान बेचते हैं वो कहते हैं बस देखिए भाई साहब आप ही के लिए तो एकदम बना है, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो और दूसरा मनोवैज्ञानिक, ऐसे लोगों में कैसी बुद्धि उपस्थित होती है? ऐसे लोगों में व्यक्तिगत अन्य बुद्धि होती है, ठीक है। तो अगर व्यक्ति ऐसा कुछ बनना चाहता है तो उसमें अपने अंदर, ठीक है, ये बुद्धियाँ सबके पास रहेंगी, ठीक है, उसको डेवलप कराया जा सकता है, ठीक है, कि दूसरों की मनोदशाओं और इच्छाओं को कैसे जाना जाए। फिर अगले अध्ययन में उन्होंने आठवां प्रकार जोड़ा, ठीक है, जिसे प्रकृतिवादी बुद्धि कहा जाता है, प्रकृति यानी नेचर, ठीक है। प्रकृतिवादी बुद्धि, प्रकृति में क्या कहते हैं कि जो भी नेचर में जो पैटर्न मौजूद है, ठीक है, उसे सही सही जान पहचानने की क्षमता, कब मौसम देखकर कि कब बारिश होने वाली है, कब आंधी आने वाली है, इस समय कौन सा पौधा, कौन सा फसल अच्छी उगेगी, इन सब के बारे में जो अच्छी बात या भविष्यवाणी अच्छी कर पाता है, वो सबसे बढ़िया हमारा सबका अन्नदाता कौन है? किसान। किसान जान पाते हैं, जीव विज्ञानी या वनस्पति वैज्ञानी ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इन सब व्यक्तियों में कौन सी बुद्धि होती है? इन सब व्यक्तियों में प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। और आखिरी है अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। तो मानव संसार के बारे में जो छिपे हुए रहस्य है, व्यक्ति का अस्तित्व इस पृथ्वी पर क्या है, ये जीवन मृत्यु क्या है, इन सब के बारे में, वो व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि है जो स्वयं के बारे में, और यहाँ अस्तित्व के बारे में चिंतन हो रहा है, ठीक है। मानव संसार में छिपे विभिन्न रहस्य, ठीक है, जिंदगी मौत या मानव अनुभूतियों की वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर, ठीक है, लोगों से प्रश्न पूछकर और अन्य खुद की धारणा बना करके जो भी व्यक्ति होते हैं, जो मानव संसार के छिपे हुए रहस्य और इन सब को जानकारी लेने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, उन सबको हम अस्तित्ववादी बुद्धि धारक कहते हैं, और वो कौन से होते हैं? दार्शनिक चिंतक होते
होते हैं। आपने जितने भी दार्शनिक चिंतक पढ़े वो जीवन संसार मनुष्य जीवन और मनुष्य संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकता है, इन सब के बारे में वो कैसे अपने अस्तित्व का संघर्ष करता है, ऐसे बारे में सभी दार्शनिक चिंतन वर्णन करते हुए देखे गए हैं। तो ये कुछ प्रकार थे अस्तित्ववादी बुद्धि, नवा प्रकार है। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, हार्वर्ड गार्डनर साहब ने अपने जब सिद्धांत प्रस्तुत किए थे तब उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, 98 में उन्होंने 8वां प्रकार, 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार जोड़ा। इस प्रकार से कुल इस समय गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत में 9 प्रकार हैं। पहला भाषाई बुद्धि, कवि लेखक पत्रकार वाले बनेंगे। तार्किक गणित बुद्धि में ऐसे जो लोग हैं जो गणितज्ञ और वैज्ञानिक बनेंगे। स्थानिक बुद्धि वाले में जो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, जो स्थान को देखकर अपने मस्तिष्क में वैसा चित्र बना करके रूप दे पाते हैं वो स्थानिक बुद्धि वाले होते हैं। शारीरिक गति, जो अपने शरीर के गति पर नियंत्रण अच्छा रख पाते हैं वो डांसर होते हैं, सर्जन होते हैं, प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगला संगीतात्मक बुद्धि, संगीत मतलब कि क्रम और लय को जान पाना, वो संगीतकार और वाद्य यंत्र बजाने वाला। व्यक्तिगत आत्मनिधि बुद्धि, जो अपने आप बारे में जानने की प्रयास करता है, योगी संत से कहा गया है, सही आत्मज्ञान से युक्त। और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, ठीक है, जो दूसरों के बारे में जान पाए, राजनेता, चिकित्सक। और प्रकृतिवादी बुद्धि, किसान, जीव विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी, जो प्रकृति के पैटर्न को समझ पाए। अस्तित्ववादी बुद्धि, मानव संसार के छिपे हुए रहस्य को जानने की जो इच्छा रखता है या चिंतन करता है, ऐसे को हम अस्तित्ववादी बुद्धि या दार्शनिक चिंतक कहते हैं। तो देखिए, ये आपका बहुबुद्धि सिद्धांत कंप्लीट हुआ। आप छात्र कहते रहते हैं कि सर आप सामने आकर पढ़ाइए, ठीक है, बोर्ड पर पढ़ाइए, चित्र सामने समझा कर पढ़ाइए। तो बिल्कुल भी इस दिशा में भी प्रयास चल रहा है कि सामने आकर आपको पढ़ाया जाए। थोड़ा सा आपका सहयोग भी ज़रूरी है, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो मैं आपको बोर्ड पर भी सामने समझा करके भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करिए। लगभग पूरे सिलेबस को समय का अभाव हो जाने के कारण मैं पूरे वीडियो समय पर उपस्थित नहीं कर पाता, लेकिन जितनी भी बातें मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा वो पूरी तरीके से प्रमाणित होंगी और परीक्षा में पूछी जाएंगी। तो आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना सहित आप बहुबुद्धि सिद्धांत को पढ़िए, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करिए और अपना अच्छा पेपर करिए। बहुत शुभकामनाएँ, भारत माता की जय।